लाइव तस्वीरें इस समय आपके स्क्रीन पर जो पहुंच रही हैं, ये पहुंच रही हैं करनाल मार्ग स्थित एक रेस्तरां जिसका नाम है यश। यहां पर आम आदमी पार्टी के तमाम जो चेहरे आप देख पा रहे हैं आज क्यों यहां पर जमा हैं, इसका खुलासा करेंगे जल्द। इसमें जुड़िए हमारे साथ और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये जो शख्स आप जिसे देख पा रहे हैं ये बाहरी गाँव से हैं, वेदपाल राणा, जो पूर्व में आम आदमी प्रत्याशी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से असंग विधानसभा क्षेत्र से। और एक और शख्स हैं, ये नए ज्वाइन किए हैं, इनसे बातचीत करते हैं आज। सर अपना नाम बताएंगे? धर्मेंद्र सिंह चीमा जी। अपनी कोई पहले से राजनीतिक कोई पृष्ठभूमि रही हो तो बताइए। नहीं सर, कोई हमारे दर्शक जान सके। नहीं, कोई किसी के साथ कोई राजनीतिक संबंध नहीं है हमारा। तो किस क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं आप सबसे पहले? पहले हमारा हल्का संधि था जी, लेकिन अभी हम सिंहपुरा स्टाणा गाँव में रहते हैं पानीपत जी जी, लेकिन अभी हम हल्का संध से ही आम आदमी पार्टी के साथ सक्रिय रहेंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आकर्षित कर रही है आपको आम आदमी पार्टी की तरफ? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जितने पत्रकार भाई आए हैं सबका धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम केजरीवाल की नीतियों से खुश होकर के हम उनके साथ लगे हैं, और जो भी हमारी केजरीवाल जी के ने सब चीज़ें लागू की हैं हम उनसे बहुत प्रभावित हैं। अभी उन नीतियों को ही हरियाणा में लागू करवाना चाहते हैं। तो जैसे दिल्ली में बिजली, पानी और चिकित्सा सब डोर टू डोर जो भी फ्री सेवा है वो हम हरियाणा में लागू कराना चाहते हैं। तो जिस तरह से पंजाब के इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है आम आदमी पार्टी की, तो क्या समझते हैं उसका प्रभाव हरियाणा में भी होगा? बिल्कुल हरियाणा में पड़ेगा जी, क्योंकि लोग कांग्रेस से भी दुखी हो चुके हैं और बीजेपी से भी दुखी हो चुके हैं। आपके सामने ही है, उसी हिसाब से अब हरियाणा में हम चेंज चाहते हैं, और हरियाणा में हम आम आदमी पार्टी को लेना चाहते हैं। और उसी के आधार पे जो दिल्ली में जैसे काम हो रहे हैं अभी पंजाब में उसी हिसाब से हो रहे हैं, तो उन नीतियों को यहाँ लागू करवाना चाहते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि सत्ता ही सब समस्याओं की जो चाबी जब हासिल हो जाए तो हल हो जाती हैं। लोग धड़ाधड़ ज्वाइन कर रहे हैं, आपका भी कोई एम्बिशन ज़रूर होगा, क्योंकि ज्वाइन करने के पीछे सिर्फ समाज सेवा तो नहीं हो सकता? नहीं, हमारा समाज सेवा का ही है, क्योंकि हमारे जो गरीब लोग हैं वो बहुत इस सरकार से दुखी हो चुके हैं, क्योंकि ना तो पिल्सन किसी को ढंग से मिल रही है, ना बिजली पानी मिल रहा है, और ना ही यहाँ साफ़ सफाई का कोई विशेष प्रबंध है। सीमा साहब, आपका जो पिछला बैकग्राउंड है बिजनेस आपका अच्छा था, आम आदमी पार्टी अब आप ज्वाइन कर रहे हो, तो मेन मकसद तो कहीं ना कहीं यही होता है कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ, क्योंकि आम बिजनेस आपका अच्छा था, ऐसा पैसे कमाने का तो कोई आपको मोटिव लगता नहीं? पैसे का नहीं है, हम लोग पब्लिक को देखते हैं, पब्लिक हमारे पास आती है, गरीब लोग आते हैं, अपने हालात बताते हैं कि हम इस सरकार से दुखी हैं, क्योंकि ना तो मेडिकल मुहैया होता है और ना लोगों को बिजली टाइम से मिल रही है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सरकार के। तो उस समस्या को देखते हुए हमने भी सोचा कि कुछ पब्लिक का भला हो, तो उसलिए हम थोड़ा सामने ही होकर आप बाइट दीजिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो और कोई साथी कोई सवाल पूछना चाहता हूँ? आपको नहीं लगता कई बार एक रिश्तेदार कांग्रेस में, एक रिश्तेदार बीजेपी में, एक आम आदमी पार्टी में आ गया, ये काम चलना चाहिए और उनका पता नहीं क्या हो गया? नहीं नहीं, हमारा जो भी रिश्तेदार होगा कोई भी होगा सब आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी के साथ संयोग करके हम उसको लेना चाहते हैं और उनकी नीतियों को पूरा लागू कराना चाहते हैं। वेदपाल राणा जी से बातचीत कर लेते हैं, पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं, गांव बाहरी से आते हैं। जिस समय आपने ज्वाइन किया और आपने इलेक्शन लड़ा उस समय हालात शायद इतने बढ़िया नहीं थे, जिस तरह से परिवार बढ़ रहा है अब आम आदमी पार्टी की तरफ, लोग लगातार ज्वाइन कर रहे हैं, तो काफ़ी खुश होंगे आप, क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी है जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, मीडिया को यहाँ आने पर, हमारी पार्टी की बातें पहुँचाने पर बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत खुशी है। और आज हरियाणा में बहुत ही जनाधार बढ़ रहा पार्टी का, और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हर रोज हजारों की संख्या में ज्वाइनिंग हो रही है। तो ये केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं कि आगे बदलाव की हवा को देख के लोग धड़ाधड़ इस पे बैंड वैगन पे सवार हो रहे हैं? केजरीवाल की नीतियाँ, पार्टी की नीतियाँ वो पसंद है जनता को, उसी लिए आ रहे हैं भाई। जैसे दिल्ली में काम किए ऐसे ही पंजाब ने मॉडल, दिल्ली मॉडल पसंद किया, भाई हम दिल्ली मॉडल चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं। ये जो पार्टियाँ देख चुके हैं इनसे समाज का, बेरोजगारी का कोई ऐसा काम जिससे भाई जनता खुश हो, ऐसा काम नहीं किया, उसकी वजह से ऐसे ही दिल्ली में था 15 साल शीला दीक्षित रही, दिल्ली का भट्ठा बिठा दिया, जो भी काम देखा है सब भट्ठा बिठा दिया। इन सब पार्टियाँ दुखी हो गए
एक आम आदमी पार्टी बनी, तो उसने 10 महीने में सरकार बना दी थी और अब 7 साल हो गए, बड़ा अच्छा काम कर रही है। वही मतलब पंजाब में पसंद किया, इसी तरह हरियाणा के बीच में, हरियाणा का आते ज़्यादा आदमी दिल्ली में रहता है, देखता है अभी दिल्ली में कैसे हॉस्पिटल बने हैं और कैसे स्कूल बने हैं, बिजली पानी, और ऐसी कोई पार्टी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में जो कि सैनिक शहीद हो जाता है, शहीद होने पर 1 करोड़ रुपये समान राशि उसको एक आम आदमी पार्टी देती है। अरविंद केजरीवाल की नीतियाँ हैं, उससे बहुत खुश हैं। तो एक बात बताइए कि गुजरात में पूरी ताकत झोंक दी आम आदमी पार्टी ने, इसके क्या मायने? इसके सही मायने होंगे जी, वहाँ भी यही है, जीत करेंगे, काम पसंद है, वो ताकत क्या है, वो तो ताकत की काम ताकत तो है, काम की ताकत है, और काम पसंद है, काम पसंद आएगा जनता अपना बदलाव करेगी। काफ़ी लंबे समय से बीजेपी है गुजरात में, क्या आप उनको पछाड़ पाओगे? ये तो क्यों नहीं पछाड़ पाएंगे, जनता पछाड़ पाएगी, हम क्या पछाड़ पाएंगे, ये तो जवाब जनता देगी। पंजाब में नया क्या किया है, पंजाब में आने के बाद क्या किया है? पंजाब आने के बाद 35,000 नौकरियाँ जो कच्चे थे पक्के किए, 25,000 और नई की, 101 करोड़ रुपया निर्मा सुंडी से, ये निर्मा खराब हो गई थी उसके लिए जिम्मेदारों किसानों को दिया, वो सभी काम है, स्कूलों प्राइवेट स्कूल थे उन पर नकेल डाल दी, बेचारा फीस नहीं बढ़ाओगे, काम बहुत तेजी से चल रहा है। सुन रहे थे आप बलबीर सिंह नरवाल भी शायद कुछ कहना चाहेंगे। बताइए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी, देखिए शुरुआती दौर में आप ही लोग थे जो जुड़े थे यहाँ? हाँ जी देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ है ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, और आम आंदोलन से ही हम काम करवाते आए हैं। अब ये हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी ना रह करे कि आज़ादी की दूसरी लड़ाई समझते हैं हमारे वर्कर, और जो इसके प्रति डेडिकेटेड और डिवोटेड हैं वो वर्कर अपनी वो 100 साल की जो हमारी गुलामी थी वो याद करके एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ता है। नरवाड़ जी ये बताइए, आंदोलन की आप बात कर रहे थे, अन्ना के आंदोलन से जो इंडिया गेट्स करप्शन वहाँ से जन्म होता है आम आदमी पार्टी का, तो बहुत सारे लोग तो अब भी कहते हैं कि अन्ना की पीठ में छुरा घोंप कर केजरीवाल ने अपना जो राजनीतिक उल्लू सीधा किया। नहीं जी देखो, ये एक सिर्फ अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। ASI का गठन हुआ था, करवाने वाले भी अपने ये साथी थे, और इसको लाने वाले भी, अन्ना जी को लाने वाले भी हमारे साथी थे, एक टीम गठित हुई थी जो कालाहांडी गई और राले गांव सिद्धि गई और देश के विभिन्न भागों में जाके जो हमारी टीम थी उन्होंने सर्च किया, सर्च करके अन्ना जी को लाए थे और यहाँ जन लोकपाल बिल के लिए आगे किया था। तो जन लोकपाल से ही बात कर लेते हैं, दिल्ली में कोस रहे थे केजरीवाल लगातार जन लोकपाल को लेकर कि मेरी हमारी सरकार नहीं है, LG है, फलाने ढिमकाने, अब तो सब कुछ साफ हो गया पंजाब में, अब तो वहाँ तो बन जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया जनाब आपने, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने बात ये रखूँगा कि सरकार बनते ही अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे पहले काम विधानसभा के अंदर जन लोकपाल बिल पास करने का काम किया था, लेकिन जैसे ही वहाँ केंद्र प्रशासित सरकार के होने के बावजूद जो LG वहाँ साइन करता है, प्रमोट वो करता है, उन्होंने आगे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा। नरवाल साहब चंडीगढ़ भी मांगने लग रहे पंजाब वाले। देखो जी ये सरकार का उनका काम है, मांग रहे हैं, हमारी भी मांग है, कोई ऐसी बात नहीं, 60% और 40% की रेशो से अगर होगा तो दोनों इस तरह से होगा, वैसे नहीं। सरकार तो आपकी है, सरकार हमारी है तो, लेकिन सरकार जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो काम होगा ना, वो जो डायरेक्शन देगा उसके माध्यम से काम करेंगे। कहीं विपक्ष तो देखो मुद्दा उठा होगा, विपक्ष ने तो किसान आंदोलन में भी उठाए थे भाई SYR ले लो इनसे, पंजाब वाले सब दो फाड़ करने के लिए, दुर्वीकरण करने के लिए बहुत लड़ाया, कभी किसी को आतंकवादी का, किसी को SYR का मुद्दा की बात करी, तो उन्होंने तो दुर्वीकरण का काम करना है विपक्ष ने तो। तो ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे, इस समय आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है काफ़ी संख्या में आज सिटी पैलेस यस होटल में जो है इकट्ठा है, और आज एक जॉइंट मीटिंग यहाँ होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो देख सकते हैं, काफ़ी युवा भी हैं वो भी यहाँ जुड़े हैं। तस्वीरों को शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा असम दलचल हरियाणा के साथ, काफ़ी लोग हैं जो आम आदमी से लगातार जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।